तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सोनू है और मैं आईआईटी गुवाहाटी के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका मेरे पिछले वीडियोज में कमेंट थे कि भैया जो कट ऑफ लिस्ट है, कट ऑफ ट्रेंड है, वो क्या है। तो भाई अभी तक तो कोई कट ऑफ ट्रेंड उनका नहीं आया या फिर रैंक लिस्ट भी नहीं आया है। तो मैंने भाई इस पे सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि लोग जो है अपने रैंक्स को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग को कॉलेज नहीं मिले या बहुत सारे लोग को जो है अच्छे कॉलेज नहीं मिले, तो वो लोग काफी चिंतित हैं। भाई इस बार का जो रैंक है वो हमारे ही फेवर में है। इस बार का रैंक ड्रास्टिकली जो है वो मतलब कि इंक्रीज हुआ है। जैसे पिछली बार कोई कंप्यूटर साइंस ब्रांच मान लो कहीं पे 5,000 में बंद हो रहा था, तो इस बार 6,000 तक चला जाएगा लास्ट होते होते। तो अगर 5,000 तक आपको कोई कंप्यूटर साइंस ब्रांच कहीं की मिल रही थी, तो इस बार लास्ट होते होते 6,000 तक चला जाएगा। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजन में सबसे पहला रीजन तो है भाई वही कि नंबर ऑफ सीट्स तो हैं वो बढ़ाई गई हैं। एनआईटी में करीब 700 सीट और आईआईटी में भी करीब 300 सीट्स पड़ी हैं, क्योंकि बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे ऐड की गई हैं। तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन है कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है ना भाई, वो भी घटे हैं ड्रास्टिकली, राइट। तो दो चीज हो गई। तो इसीलिए अगर आपको आपका जो रैंक है, अगर आप पिछली बार से मैच कर रहे हैं, तो उसके प्लस में 5,000 तक आप रैंक को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक डाटा लिया है, मेरे एक दोस्त ने बताया है कि उसे सीएससी मिला है 3500 जनरल रैंक पे, जो कि पिछली बार जो थी 2700 रैंक तक ही मिली थी। तो इस बार करीब 800 रैंक तो फर्स्ट ही राउंड में पड़ गया है। तो इस तरीके से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस बार आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। जो भी कॉलेज मिल रहा था उसमें आप प्लस 5,000 तक लास्ट होते होते तक आप ऐड कर सकते हैं। और बात करें सीएसएबी की, तो सीएसएबी की तो बात ही हटा दीजिए, उसमें आप करीब बहुत ज्यादा रैंक वैरी करता है, वो तो नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी पर आता है। तो अगर ये तो हो गई रैंक की बात। अगर आपको भी कोई रैंक है और आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपना आंसर पाओ। मैं आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू।